कोरोना के चलते प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन में सरकार तक मांग पहुंचाने के लिए बुधवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर का जमकर इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि 2 वर्ष से 94,000 शिक्षकों की बहाली लटकी हुई है। सरकार बार बार किसी न किसी केस का बहाना करके भर्ती को टाल रही है। बार बार शिक्षक अभ्यर्थियों के निवेदन के बाद सरकार सोई हुई है। इस बहाली को लेकर अब कई सवाल भी उठने लाजमी हो गए हैं। पहले कोर्ट में चल रहे केस के कारण अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ा, अब कोर्ट के आदेश आने के बाद भी नियोजन इकाई की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा अब बहाली को पंचायत चुनाव के बाद करना चाहती है। बहाली होगी भी या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार हैं। हद तो अब बिहार सरकार ने यह कर दी है कि उनके आगे न्यायपालिका के आदेश भी फीके पड़ने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखकर शिक्षक बहाली को लेकर राज्य के अभ्यर्थियों ने बुधवार को ट्विटर पर #PTBiharShikshakAbhyarthi के द्वारा ट्विटर कैंपेन अभियान चलाया। अभियान शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर बिहार में नंबर एक पर ट्रेंड करने लगा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने इस ट्विटर अभियान के जरिए जल्द से जल्द शिक्षक नियोजन को पूर्ण करने की मांग की है। इधर बिहार डीएलएड प्रशिक्षु परिषद के फाउंडर शिवम प्रियदर्शी एवं विवेक कुमार ने कहा है कि इस तरह शिक्षक नियोजन में हो रही देरी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो शिक्षक अभ्यर्थी फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं पीरू फिर मिलूंगी आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक कोरोना में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।